अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? हम ये खैरियत से होंगे। अच्छा, पाकिस्तान वालों के लिए एक खुशखबरी लगा लें या रोज़गार की तलाश में जो है निकले हुए उनके लिए एक मौका। दोबारा अभी कंपनी में वीज़े आए हैं हमारी कंपनी में सराखों में, तो डेलीगेशन इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पहुँच जाएगी और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो बरूने मुल्क रोज़गार की तलाश में जो बैठे हैं या जाना चाहते हैं उनसे ये है ताकि वो अपनी तैयारी कर लें, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन लगा लें या उनके लिए एक मौका है। और एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वक्त वैकेंसीज आई हैं मुख्तलिफ ट्रेड में। वो अभी वीडियो में साथ में मैं आपको दिखा दूँगा, तो आप इस तरफ अपना जहन रखें जिस जब डेलीगेशन आए इंटरव्यू दें और अपने फ्यूचर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो है ना वो बाहर निकलें। और बाहर आपको तजर्बा जो मिलेगा वो मुल्क से थोड़ा हट के होगा। जितने भी एक्सपीरियंस अपनी कंट्री में इकट्ठे होते हैं, बाहर की जो होते हैं ना कंट्री का एक्सपीरियंस वो मुख्तलिफ होता है। हमें तो बाहर की कंट्री क्या है, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना, वहाँ काम का मतलब कि वो अंदाज और काम की नौइयत मुख्तलिफ होती है। तो बाकी ये बातें आपको बाहर आके पता चलेंगी। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, हलाल कमाएँ, मेहनत करें, खूब मेहनत करें, बाकी किस्मत में जो है वो मिलेगा। फारग ना बैठें, पढ़ें, पढ़ाई के बाद अगर सरकारी जॉब कोई भी जॉब नहीं मिलती बाहर अप्लाई करें, कहीं भी करते रहें। फ्री बैठने से या बंदा सोचे कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी मैं वो करूँगा, वो बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं है, हालात ऐसे नहीं हैं। पहले भी बंदा जो यही कहता है ना कि मेरे लेवल की जॉब मिले, वो अच्छी बात नहीं मेरे ख्याल में। मिले उसमें आप तरक्की करो, उसमें आप अपना मतलब के उन्हें अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, एक्सप्लोर करो खुद को, ताकि वो खुद आपके लिए बोलने के नहीं भी ये बंदा काबिल है, इसको इसकी पोस्ट जो है वो चेंज की जाए। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी और भी मिल जाएगी इस कंपनी में और कंपनी में, किसी और कंट्री में जाने के लिए आपको एक रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने ही फ़िज़ो अमान में रखे और रिज़्क़ हलाल दे। और पाकिस्तानियों से मेरी दोबारा इल्तिजा है कि फ्री ना बैठे, जो हालात हैं कुछ करें। ये जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठना और इंतज़ार करना कि मुझे कोई आके बोले, गवर्नमेंट आए, सॉरी कोई ऐसा कंपनी आए या मुझे खुद आके बोले, नहीं, खुद अपनी तलाश में निकलें, छोटी जॉब करें ताकि आपको पता चले कि नहीं भी छोटी करेंगे जॉब तो फिर आपको अल्लाह पाक उससे अच्छी और उससे बड़ी नौकरी जो है ना वो भी मिल सकती है। तो फ्री ना बैठें। और ये हमारी कंपनी में आना आसान है और इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद है, इसलिए जो है ना उसका मैं एक्सपीरियंस आपको खुद बता रहा हूँ। दूसरा ये कि अभी जो हमें प्रोजेक्ट मिला वो बात की मैं दूसरी जो है ना वीडियो में बताऊँगा, मतलब सेफ्टी के हवाले से जो है ना वो भी थोड़ी सख्ती हो गई है, ये बताना था बस।